उर्दू बाइबल के अंतर्गत आज पढ़ते हैं जबूर 15 से 19। शुरुआत करते हैं जबूर 16 से। जबूर 15 से, कौन अल्लाह के हुजूर कायम रह सकता है। दाऊद का जबूर। ऐ रब, कौन तेरे खेमे में ठहर सकता है, किसको तेरे मुकद्दस पहाड़ पर रहने की इजाज़त है। वह जिसका चाल चलन बेगुनाह है, जो राष्ट्रवाद जिंदगी गुजार कर दिल से सच बोलता है। वैसा शख्स अपनी जबान से किसी पर तोहमत नहीं लगाता, न वह अपने पड़ोसी पर ज्यादती करता, न उसकी बेइज्जती करता है। वह मर्दूद को हकीर जानता, लेकिन खुदा तरस की इज्जत करता है। जो वादा उसने कसम खाकर किया, उसे पूरा करता है, ख्वाह उसे कितनी ही नुकसान क्यों न पहुँचे। वह सूद लिए बगैर उधार देता है और उसकी रिश्वत कबूल नहीं करता, जो बेगुनाह का हक मारना चाहता है। ऐसा शख्स कभी डावाडोल नहीं होता। उर्दू बाइबल के तहत अगला जो पाठ है वो है जबूर 16, भजन संहिता 16, एतमाद की दुआ। दाऊद का एक सुनहरा जबूर। ए अल्लाह, मुझे महफूज रख, क्योंकि तुझ में मैं पना लेता हूँ। मैंने रब से कहा, तू मेरा आका है, तू ही मेरा खुशहाली का वालिद चश्मा है। मुल्क में जो मुकद्दसीन है, वही मेरे सुर में हैं, उन्हीं को मैं पसंद करता हूँ। लेकिन जो दीगर माबूदों के पीछे भागते रहते हैं, उनकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। न मैं उनकी खून की कुर्बानियों को पेश करूँगा, न उनके नामों का जिक्र तक करूँगा। ए रब, तू मेरी मीरास और मेरा हिस्सा है, मेरा नसीब तेरे हाथ में है। जब कूरवा डाला गया तो मुझे खुशगवार ज़मीन मिल गई, यकीनन मेरी मीरास मुझे बहुत पसंद है। मैं रब की सताइश करूँगा, जिसने मुझे मशवरा दिया है। रात को भी मेरा दिल मेरी हिदायत करता है। रब हर वक्त मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दहने हाथ रहता है, इसलिए मैं नहीं डगमगाऊँगा। इसलिए मेरा दिल शादमान है, मेरी जान खुशी के मारे नारे लगाती है। हाँ, मेरा बदन पुरसकून जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि तू मेरी जान को पाताल में नहीं छोड़ेगा और न अपने मुकद्दस को गलने सड़ने की नौबत तक पहुँचने देगा। तू मुझे ज़िंदगी की राह से आगाह करता है, तेरे हुजूर से भरपूर खुशियाँ, तेरे दाहिने हाथ से अबदी मसरतें हासिल होती है। अगला अध्याय पढ़ते हैं जबूर 17, भजन संहिता 17, बेगुनाह शख्स की दुआ। दाऊद की दुआ। ए रब, इंसाफ के लिए मेरी फरियाद सुन, मेरी आहोजारी पर ध्यान दे, मेरी दुआ पर गौर कर, क्योंकि वह फरेब दिल होठों से नहीं निकलती। तेरे हुजूर मेरा इंसाफ किया जाए, तेरी आंखें उन बातों का मुशाहदा करे जो सच है। तूने मेरे दिल को जांच लिया, रात को मेरा मुआयना किया है, तूने मुझे भट्ठी में डाल दिया ताकि नापाक चीज़ें दूर करे। गो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, क्योंकि मैंने पूरा इरादा कर लिया है कि मेरे मुंह से बुरी बात नहीं निकलेगी। जो कुछ भी दूसरे करते हैं, मैंने खुद तेरे मुंह के फरमान के ताबे रहकर अपने आप को जालिमों की राह से दूर कर रखा है। मैं कदम ब कदम तेरी राहों में रहा, मेरे पाँव कभी न डगमगाए। ए अल्लाह, मैं तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मेरी सुनेगा, कान लगा कर मेरी दुआ को सुन। तू जो अपने दहने हाथ से उन्हें रिहाई देता है, जो अपने मुखालिफों से तुझ में पना लेते हैं, मौजिजा जाना तौर पर अपनी सकत का इजहार कर। आँख की पुतली की तरह मेरी हिफाजत कर, अपने परों के साए में मुझे छुपा ले। उन बेदिनों से मुझे महफूज रख, जो मुझ पर तबाकुन हमले कर रहे हैं, उन दुश्मनों से जो मुझे घेर कर मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। वह सर्कस हो गए हैं, उनके मुंह घमंड की बातें करते हैं, जिधर भी हम कदम उठाए वहां वह भी पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने हमें घेर लिया है, वह घूर घूर कर हमें ज़मीन पर पटकने का मौका ढूंढ रहे हैं। वह उस शेर बबर की मानिंद है, जो शिकार को फाड़ने के लिए तड़पता है, उस जवान शेर की मानिंद जो ताक में बैठा रहता है। ए रब, उठ और उनका सामना कर, उन्हें ज़मीन पर पटक दे, अपनी तलवार से मेरी जान को बेदिनों से बचा। ए रब, अपने हाथ से मुझे इनसे छुटकारा दे, उन्हें तो इस दुनिया में अपना हिस्सा मिल चुका है,
क्योंकि तूने उनके पेट को अपने माल से भर दिया है, बल्कि उनके बेटे भी शेर हो गए हैं, और इतना बाकी है कि वह अपनी औलाद के लिए भी काफ़ी कुछ छोड़ जाएंगे। लेकिन मैं खुद रास्तबाज साबित होकर तेरे चेहरे का मुशाहदा करूँगा, मैं जाकर तेरी सूरत से शेर हो जाऊँगा। और अब पढ़ते हैं उर्दू बाइबल के तहत इसी सीरीज का अगला अध्याय, जबूर 18, दाऊद का फतेह का गीत। रब के खादिम दाऊद का जबूर, मौसकी की रहनुमाई के लिए दाऊद ने रब के लिए यह गीत गाया, जब रब ने उसे तमाम दुश्मनों और साउल से बचाया। वह बोला, ऐ रब मेरी कुवत, मैं तुझे प्यार करता हूँ, रब मेरी चट्टान, मेरा किला और नजात हिंदा है, मेरा खुदा मेरी चट्टान है, जिसमें मैं पना लेता हूँ, वह मेरी ढाल, मेरी नजात का पहाड़, मेरा बुलंद हिसार है। मैं रब को पुकारता हूँ, उसकी तमजीद हो, तब वह मुझे दुश्मनों से छुटकारा देता है। मौत के रस्सों ने मुझे घेर लिया, हलाकत के सैलाब ने मेरे दिल पर दहशत तारी की, पाताल के रस्सों ने मुझे जकड़ लिया, मौत ने मेरे रास्ते में अपने फंदे डाल दिए। जब मैं मुसीबत में फंस गया तो मैंने रब को पुकारा, मैंने मदद के लिए अपने खुदा से फरियाद की, तो उसने अपनी सुकूनगाह से मेरी आवाज़ सुनी, मेरी चीखें उसके कानों तक पहुंच गई। तब जमीन लरज उठी और थरथराने लगी, पहाड़ों की बुनियादें रब के गजब के सामने कांपने लगी और झूलने लगी, उसकी नाक से धुआं निकल आया, उसके मुंह से भस्म करने वाले शोले और दहकते कोयले भड़क उठे, आसमान को झुकाकर वह नाजिल हुआ, जब उतर आया तो उसके पाँव के नीचे अंधेरा ही अंधेरा था, वह करूबी फरिश्ते पर सवार हुआ और उड़कर हवा के परों पर मंडराने लगा। उसने अंधेरे को अपने छुपने की जगह बनाया, बारिश के काले और घने बादल खेमे की तरह अपने इर्द गिर्द लगाए, उसके हजूर की तेज रोशनी से उसके बादल ओले और 16 जन कोयले लेकर निकल आए। रब आसमान से कड़कड़ाने लगा, अल्लाह ताला की आवाज़ गूंज उठी, तब ओले और 16 जन कोयले बरसने लगे। उसने अपने तीर चलाए तो दुश्मन तितर बितर हो गए, उसकी तेज बिजली इधर उधर गिर गई तो उनमें हलचल मच गई। ऐ रब, तूने डांटा तो समुंदर की वादियाँ जाहिर हुई, जब तू गुस्से में गरजा तो तेरे दम के झोंकों से जमीन की बुनियादें नजर आई, बुलंदियों पर से अपना हाथ बढ़ाकर उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे गहरे पानी में से खींच कर निकाल लाया, उसने मुझे मेरे ज़बरदस्त दुश्मन से बचाया, उससे जो मुझसे नफरत करते हैं, जिन पर मैं गालिब न आ सका। जिस दिन मैं मुसीबत में फंस गया उस दिन उन्होंने मुझ पर हमला किया, लेकिन रब मेरा सहारा बना रहा, उसने मुझे तंग जगह से निकाल कर छुटकारा दिया, क्योंकि वह मुझसे खुश था। रब मुझे मेरी रास्तबाजी का अजर देता है, मेरा हाथ साफ है, इसलिए वह मुझे बरकत देता है, क्योंकि मैं रब की राहों पर चलता रहा हूँ, मैं बदी करने से अपने खुदा से दूर नहीं हुआ, उसके तमाम अहकाम मेरे सामने रहे, मैंने उसके फरमानों को रद्द नहीं किया, उसके सामने ही मैं बेइल्जाम रहा, बेगुनाह करने से बाज रहा हूँ, इसलिए रब ने मुझे मेरी रास्तबाजी का अजर दिया, क्योंकि उसकी आँखों के सामने ही मैं पाक साफ साबित हुआ। ऐ अल्लाह, जो वफादार है उसके साथ तेरा सलूक वफादारी का है, जो बेइल्जाम है उसके साथ तेरा सलूक बेइल्जाम है, जो पाक है उसके साथ तेरा सलूक पाक है, लेकिन जो कजरों के उसके साथ तेरा स्कूल भी कजरवी का है, लेकिन जो कंजर है उसके साथ तेरा सलूक भी कंजरवी का है, क्योंकि तू परस्ता हालों को नजात देता और मगरूर आँखों को पस्त करता है। ऐ रब, तू ही मेरा चिराग जलाता, मेरा खुदा ही मेरे अंधेरे को रोशन करता है, क्योंकि तेरे साथ मैं फौजी दस्ते पर हमला कर सकता, अपने खुदा के साथ दीवार को फलांग सकता हूँ। अल्लाह की राह कामिल है, रब का फरमान खालिस है,
जो भी उसमें पना ले उसकी वह ढाल है, क्योंकि रब के सिवा कौन खुदा है, हमारे खुदा के सिवा कौन चट्टान है। अल्लाह मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता, वह मेरी राह को कामिल कर देता है, वह मेरे पाँव को हिरन की सी फुर्ती अता करता, मुझे मजबूती से मेरी बुलंदियों पर खड़ा करता है, वह मेरे हाथों को जंग करने की तरबियत देता है, अब मेरे बाजू पीतल की कमान को भी तान लेते हैं। ऐ रब, तूने मुझे अपनी नजात की ढाल बख्श दी है, तेरे दाहिने हाथ ने मुझे कायम रखा, तेरी नरमी ने मुझे बड़ा बना दिया है, तू मेरे कदमों के लिए रास्ता बना देता है, इसलिए मेरे लिए मेरे टखने नहीं डगमगाते। मैंने अपने दुश्मनों का ताऊब करके उन्हें पकड़ लिया, मैं बाज न आया जब तक कि वह ख़त्म न हो गए, मैंने उन्हें यू पास पास कर दिया कि दोबारा उठ न सके, बल्कि गिर कर मेरे पाँव के तले आ पड़े। क्योंकि तूने मुझे जंग करने के लिए कुव्वत से कमर बस्ता कर दिया, तूने मेरे मुखालिफों को मेरे सामने झुका दिया, तूने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने से भगा दिया, और मैंने नफरत करने वालों को तबाह कर दिया। वह मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था, वह रब को पुकारते रहे लेकिन उसने जवाब न दिया। मैंने उन्हें चूर चूर करके गर्द की तरह हवा में उड़ा दिया, मैंने उन्हें कचरे की तरह गली में फेंक दिया। तूने मुझे कौम के झगड़ों से बचाकर अक्वाम का सरदार बना दिया है, जिस कौम से मैं वाकिफ था वह मेरी खिदमत करती है। जूं ही मैं बात करता हूँ लोग मेरी सुनते हैं, परदेसी दबक कर मेरी खुशामद करते हैं, वह हिम्मत हार कर कांपते हुए अपने किले से निकल आते हैं। रब जिंदा है, मेरी चट्टान की तमजीद हो, मेरी नजात के खुदा की ताजीम हो, वही खुदा है जो मेरा इंतकाम लेता, अक्वाम को मेरे ताबे कर देता है और मुझे मेरे दुश्मनों से छुटकारा देता है। यकीनन तू मुझे मुखालिकों पर सरफराज करता, मुझे जालिमों से बचाए रखता है ऐ रब, इसलिए मैं अक्वाम में तेरी हद सना करूँगा, तेरे नाम की तारीफ में गीत गाऊँगा। क्योंकि रब अपने बादशाह को बड़ी नजात देता है, वह अपने मसीह की वे बादशाह दाऊद और उसकी औलाद पर हमेशा तक मेहरबान रहेगा। और उर्दू बाइबल के तहत पढ़ते हैं अब अगला और आज के वीडियो का आखिरी अध्याय, जबूर 19, मखलूकात में अल्लाह का जलाल। दाऊद का जबूर मौसीकी की रहनुमाई के लिए। आसमान अल्लाह के जलाल का ऐलान करता है और आसमानी गुम्बद उसके हाथों का काम बयान करता है। एक दिन दूसरे को इत्तला देता है, एक रात दूसरी को खबर पहुंचाती है, लेकिन जबान से नहीं गो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो भी उनकी आवाज़ निकल कर पूरी दुनिया में सुनाई देती है। उनके अल्फाज दुनिया की इंतहा तक पहुंच जाते हैं। वहां अल्लाह ने आफताब के लिए खेमा लगाया है, जिस तरह दूल्हा अपनी ख्वाबगाह से निकलता है उसी तरह सूरज निकलकर पहलवान की तरह अपनी दौड़ने पर खुशी मनाता है। आसमान के एक सिरे पर चढ़कर उसका चक्कर दूसरे सिरे तक लगता है, उसकी तपती गर्मी से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रहती। रब की शरीयत कामिल है, उससे जान में जान आ जाती है। रब के अहकाम काबिल एतिमाद है, उनसे सादा लोह दानिशमंद हो जाता है। रब की हिदायत बा इंसाफ है, उससे दिल बाग बाग हो जाता है। रब के अहकाम पाक है, उनके आंखें चमक उठती है। रब का खौफ पाक है और अबद तक कायम रहेगा। रब के फरमान सच्चे और सबके सब रास्त है। वह सोने बल्कि खाली सोने के ढेर से ज़्यादा मरगूब है। वह शहद बल्कि छत्ते के ताज़ा शहद से भी ज़्यादा मीठे हैं। उनसे तेरे खादिम को आगाह किया जाता है, उन पर अमल करने से बड़ा अजर मिलता है। जो खताएं
बेखबरी में सरताज हुई, कौन उन्हें जानता है, मेरी पोशीदा गुनाह को मुआफ़ कर, अपने खादिम के गुस्ताखों से महफूज रख, ताकि वह मुझ पर हुकूमत न करे, तब मैं बेलजाम होकर संगीन गुनाह से पाक रहूँगा। ए रब, बख्श दे कि मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल की सोच विचार तुझे पसंद आए, तू ही मेरी चट्टान और मेरा छुड़ाने वाला है। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा जबूर 15 से लेकर 19 तक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जबूर 20 से 24 तक। आज की वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिले। जय मसीह की।